गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अ चैप्टर 4 एडिशन एंड टुडे वी विल डू पेज नंबर 39। एट द गिवन नंबर बाय काउंटिंग फॉरवर्ड वन इज डन फॉर यू। इसमें आपको वन क्वेश्चन जो है वो करके बता दिया गया है। और क्या करना है इसमें, एट द गिवन नंबर आपको एड करने जो क्वेश्चन दिए गए हैं बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। तो देखिए कैसे करना है आपको। क्वेश्चन ए से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ए में क्या है, 5 + 0, बी 7 + 2, सी 8 + 4, डी 0 + 9, ई 4 + 5, एफ 5 + 3, फिर है आपके एफ के बाद में जी 2 + 0, एच 8 + 2, आई 9 + 4, जे 4 + 1, के 1 + 7, एल 2 + 5, एम 3 + 0। तो देखिए कैसे करना है आपको। स्टार्ट आपको करना है फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर दिया 5 + 0, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। तो 5 में जब 0 ऐड करेंगे यानी कुछ भी ऐड नहीं किया जा रहा, तो 5 का आंसर क्या आएगा, 5। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ 0 किया भी था तो वही मेथड, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर का आंसर होता है। आप देखिए 7 + 2 में क्या करना है, जो भी फर्स्ट नंबर है उसको अपने माइंड में रखिए, कीप इन योर माइंड एंड नेक्स्ट नंबर ऑन योर फिंगर। तो देखिए 7 कीप इन योर माइंड एंड 2 इज पुट ऑन योर फिंगर। तो देखिए फिंगर पे आपने 2 ले लिए और 7 माइंड में, 7 के बाद में आप फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, क्या आएगा, 8 9, कितने हो गए, 9। तो वी विल राइट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 8 + 4, 8 कीप इन योर माइंड, 8 रख लिया और 4 ऑन योर फिंगर। अब देखिए 8 के बाद में 9 10 11 12, तो आंसर क्या आया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, 0 + 9, सेम वही आ गया, क्या आएगा, नंबर इट्सेल्फ, यहाँ पे 9 ही आएगा। 4 + 5, 4 कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर। 4 के बाद में देखिए 5 6 7 8 9, क्या आ गया, 9। नेक्स्ट 5 + 3, 5 कीप इन योर माइंड एंड 3 पुट ऑन योर फिंगर। 5 के बाद में क्या आएगा, 6 7 8, तो क्या आया आंसर, 8। नेक्स्ट है फिर आपका 2 + 0, तो 0 आ गया तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2। 8 + 2, 8 कीप इन योर माइंड एंड 2 पुट ऑन योर फिंगर, तो आपका 8 के बाद में क्या आया, 9 10, क्या लिखे हम यहाँ पर, 10। 9 + 4 कीप इन योर माइंड, 9 एंड 4 ऑन योर फिंगर। 9 के बाद में क्या आएगा, 10 11 12 13, सो वी विल राइट 13। 4 + 1, 4 के बाद में क्या आता है, 5। 1 + 7, 1 आपका माइंड में करिए और 7 कर लीजिए आप अपने फिंगर पे, तो 7 1 के बाद में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 8। 2 + 5, 2 को अपने माइंड में रखेंगे, 5 फिंगर, तो 2 के बाद में क्या आएगा, 3 4 5 6 7, तो वी विल राइट 7। 3 + 0, वी विल राइट 3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये करने होंगे आपकी नोटबुक में,
और ये अच्छे से सोच सोच के करना है, ये नहीं। और फर्स्ट जो नंबर है उसको अपने माइंड में रखेंगे और सेकंड नंबर को कीप इन योर फिंगर, अपने फिंगर के ऊपर रखना है। तो इस तरह से आपका ये पेज नंबर 39 है जो आपको देखिए, ये पेज नंबर 39 है तो आपको यही अपन ने किया है। तो ये आपको जो मैंने बोर्ड पे किया है CW वर्क जो है वो आप अपने नोटबुक में करेंगे और ये जो वर्क है आपका ये आपको अपनी बुक में करना है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है रिपीट CW एंड नोटबुक। आपको नोटबुक में अपना ये CW वर्क करना है एंड डू पेज नंबर 39 इन योर बुक। आपको अपनी 39 पेज नंबर अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।